गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। और बच्चों, आज मैं आपको तीन अक्षरों के शब्द करना बताऊंगी, ठीक है बच्चों? बच्चों, सबसे पहले हम इन तीन अक्षरों के शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद इन्हें हम कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है? तो बच्चों, मेरे साथ साथ बोलना। मगर मगर, महल महल, मटर मटर, कलम कलम, कलश कलश, और कमल कमल, ठीक है बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे देखो, बोल बोल कर पढ़िए, ठीक है? मेरे साथ साथ बोलना। मदन मदन, भजन भजन, पवन पवन, नयन नयन, अगर अगर, मगर मगर, नगर नगर, डगर डगर, नमक नमक, चमक चमक, दमक दमक, धमक धमक, अटक अटक, मटक मटक, चटक चटक, लटक लटक, चहल चहल, पहल पहल, दहल दहल, महल महल, पहन पहन, बहन बहन, दहन दहन, गहन गहन, करम करम, धर्म धर्म, नरम नरम, गरम गरम, ठीक है बच्चों? अब बच्चों, ये वाला पार्ट आपको खुद से पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे देखो, अक्षरों में उलट फेर करके नए शब्द बनाएं, ठीक है बच्चों? ये अक्षर दे रखे हैं, इन्हें उलट फेर करके अच्छे से अक्षर शब्द बनाने हैं इनको, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर पे करना है, ठीक है? देखो, जैसे मैंने ये करके दिखा रखा है यहाँ पे इस तरीके से। अब बच्चों, अब हम इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपियाँ निकालो आप लोग। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, मैंने कॉपी ले ली है, ठीक है? और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेडिंग मेंशन करनी है। तीन, अक्षरों के शब्द, ठीक है बच्चों? अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मगर। हम यहाँ पे लिखेंगे म ग र। अब हम इसको सही से लिखेंगे यहाँ पे, मगर मगर। अब यहाँ पे देखो, महल लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे, म ह ल, म है ल, ठीक है बच्चों? अब बच्चों हम लिखेंगे मटर, मटर। बच्चों यहाँ पे आपको खुद से लिखना है, कैसे लिखना है वो आप खुद देखोगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, क ल म, ठीक है? अब यहाँ पे भी आपको खुद से लिखना है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, क ल श, ठीक है? यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पे देखो, क म ल, ठीक है? ऐसे ये बच्चों आपका होमवर्क है, ये आपको घर पे करना है, खुद से करना है। देखो मैंने करके बता रखा है, इस तरीके से करना है। और इन शब्दों को आपको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, ठीक है? और ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है बच्चों? जय हिंद बच्चों।